हरे बोल एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहिता काइस्ता है, मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक केमिस्ट शॉप चलाते हैं, मेरे दो बेटे हैं। फ्रेंड्स, मैं फैब्रिक 2020 को चंबा से विनय जी के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने श्रीमद भगवद गीता की रीडिंग ली। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। मैं श्री हरि की कृपा से आज आप सबके साथ अपनी लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें मनुष्य योनी मिली। वैसे तो ईश्वर ने ये सृष्टि रची है और बहुत कुछ बनाया है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकौड़े, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन जो मनुष्य शरीर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, अपना परिवार का पालन पोषण करना, ये बाकी सब योनियां भी करती है, लेकिन हम ईश्वर के साथ अपने आप को कैसे अटैच कर सकते हैं, हम पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, ये केवल और केवल मनुष्य योनि को ही मिला है। ईश्वर के साथ हमने अपना कनेक्शन स्ट्रांग कैसे करना है, ये मैंने इस बुक के साथ जुड़कर सीखा। वैसे मैं भी पहले वही रोजमर्रा के काम ही करती थी, वही ड्यूटीज, वही सुबह उठना, दिन में काम करने और वही रात को सोना, और कुछ नहीं था। लेकिन जब से मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी, मैंने ये सीखा कि ये सब काम तो मरते दम तक ही चलते रहेंगे, लेकिन हमें ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सत्संग और साधना को अपनी लाइफ में शामिल करें। तो मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं भी रेगुलरिटी के साथ अपने सत्संग लगाती हूँ और साधना पे फोकस करती हूँ। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी, वो डिवोशन होनी चाहिए, और मैं अपने कर्म जो है वो ईश्वर अर्पित कर्म करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें अपने कर्म जो है वो निष्काम भाव से करने चाहिए, मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशंस। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें कर्म करने हैं, ना कि कोई एक्सपेक्टेशन लगा के। जैसे मैं अपनी बात करूं कि हम जब मेरे बेटे जो है उन्होंने जब 10th कर ली, तो उन्होंने अपने अपने चॉइस के सब्जेक्ट रख लिए। जैसा कि हमारी केमिस्ट शॉप है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम चाहते थे कि एक बेटा जो है वो फार्मेसी करे और हमारे साथ शॉप में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन हमने जब बच्चों को पूछा तो दोनों ने मना कर दिया। हम भी मान गए क्योंकि और कोई रास्ता ही था। लेकिन फिर क्या था, जब कभी मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों को डांट देती थी और उन्हें बोल देती थी कि जब हमने आपसे अपनी डिमांड रखी कि आप लोग एक फार्मेसी कर लो एक बेटा, तो तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अपनी ही बात मानी। मतलब हम एक एक्सपेक्टेशन बना के चलते हैं कि बच्चे बड़े, हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये ड्यूटीज दे रखी है और हमें ये ईश्वर की खुशी के लिए ये काम करना है। वैसे भी हम जब कोई एक्सपेक्टेशन लेके काम करते हैं तो वो काम जो है वो सही नहीं होते हैं। हमें अपने कर्म जो है वो किशन भावना भावित कर्म बनाने चाहिए, ताकि वो कर्म जो हमारे दिव्य बन सके। नेक्स्ट, हमने भोग का कंसेप्ट समझा कि हमें ईश्वर को भोग अर्पित करना चाहिए। हम जब भी मार्केट से कोई चीज लेके आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे खाने पीने का सामान है, चाहे कपड़ा है, कुछ भी है, सबसे पहले हमें ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। जब हम वो चीजें ईश्वर को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो प्रसाद बन जाती है, और जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, हमारी थॉट्स जो है वो पॉजिटिव बनती है। मैंने जब गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और भगवद गीता की रीडिंग ली, तो मैंने भोग का कॉन्सेप्ट समझा और मैंने भी भोग लगाना शुरू किया। भोग लगाने से ऐसा हुआ कि जब हम लोग प्रसाद खाते थे, तो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये कि मेरे हस्बैंड जो नॉनवेज के बड़े ज्यादा शौकीन थे, मतलब उनको लगता था मैं कभी भी नॉनवेज को नहीं छोड़ पाऊंगा, बट ऐसा नहीं था। मैंने ये बात नोटिस की कि आहिस्ता आहिस्ता उनका नॉनवेज जो है वो बहुत कम हो गया, इवन वो ड्रिंक भी करते थे, वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो गई। ये मेरे लिए ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं पहले अपने हस्बैंड को बड़ा फोर्स करती थी कि आप नॉनवेज मत खाया करो, ड्रिंक मत किया करो, लेकिन मतलब वो नहीं मानते थे। हमने अपना सत्संग में इन चीजों को भी सीखा कि हमें कभी भी किसी कार्य के लिए किसी को फोर्स नहीं करना है, बस ईश्वर को प्रे करना है। फिर मैंने इस चीज को माना, भोग लगाया, प्रसाद लिया और ईश्वर से प्रे ही करती थी, और उसका रिजल्ट मुझे मिला। मेरे हस्बैंड पहले फास्ट भी नहीं रखते थे, अब वो मेरे साथ एकादशी का फास्ट भी रखते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में सुख और दुख दोनों का आना स्वाभाविक है। हमारी लाइफ में जब दुख आते हैं तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब सुख आते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
तो इन सुख और दुख इन दोनों परिस्थितियों में हमने अपने आप को कैसे स्टेबल बनाना है, कैसे संभाव में रखना है, हमें डेबिट नहीं होना है, ये सब चीजें भी मैंने श्रीमद भगवद गीता की रीडिंग के बाद ही सीखी। पहले मैं भी अपने दुखों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, मतलब मुझे लगता था कि अगर हमारी लाइफ में दुख आए हैं तो कुछ क्यों आ गए, मतलब हम भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते थे कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने ये चीज सीखी है कि ईश्वर ने जो दे दिया वो हरि कृपा और जो नहीं दिया वो हरि इच्छा। हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में उतारा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, शादी के बाद मेरी लाइफ में बड़े सारे उतार चढ़ाव आए, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आई और मैं इतनी दुखी हो जाती थी कि एक बार तो मेरी ये मेंटल पोजीशन बन गई थी कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम ही गलत रखा है मुदिता, क्योंकि मुदित का मतलब होता है हैप्पी, खुश रहना। लेकिन मुझे लगता था मैं तो हर वक्त परेशान ही रहती हूँ। लेकिन थैंक्स गोलोक एक्सप्रेस कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मैंने ये सब चीजें सीखी और अब मैंने अपने आप को हरी इच्छा और हरी कृपा वाला कंसेप्ट जो है वो समझा है। मैंने अपनी टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स तो अब भी है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अब मैंने उन प्रॉब्लम्स को स्टेबल करना सीखा है, कैसे उनको स्टेबल रखना है, खुद को कैसे संभाव में रखना है, मैंने वो सीख लिया है। जैसे कि कुंती माता जो है वो भी हर वक्त ईश्वर से सिर्फ दुख ही मांगती थी, क्योंकि लगता था कि हम जितना दुखी होंगे हम उतना ही ईश्वर को याद करेंगे। कहा भी गया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो फ्रेंड्स, हमें भी लाइफ में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ईश्वर का सिमरन हर वक्त करना चाहिए। फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमें फ्री विल दे रखी हुई है, तो हमें अपनी चॉइस जो है वो करेक्ट रखनी है। अगर हमारी चॉइस करेक्ट होगी तो ईश्वर हमारा साथ देंगे, अगर वो गलत है तो हमारा ईश्वर साथ नहीं देते हैं। ये भी मेरी एक मिथ थी, मुझे लगता था हम ठीक करें या गलत करें वो करने वाले केवल और केवल भगवान ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर श्रीमद भगवद गीता की जब रीडिंग की तो मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि अगर हमारी चॉइसेस ठीक है तभी ईश्वर हमारा साथ देते हैं, अगर हमारी चॉइस गलत है तो वो हमारा साथ नहीं देते हैं। यहाँ भी मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मेरे 2013 की बात है, मेरे ब्रदर और उनकी उस वक्त डेथ हो गई थी। मैंने अपने ब्रदर के लिए बड़ी प्रे की थी, बड़ी पूजा पाठ की थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और मैंने सारा ब्लेम भगवान को दिया था कि प्रभु आपने क्या किया ये, और मैंने उस टाइम पूजा पाठ छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपने आप को जोड़ा, मैंने सीखा, तब मुझे इस बात का, मेरी जो धारणा थी कि भगवान ही करने वाले सब कुछ, मेरी ये धारणा जो गलत साबित हुई। मुझे लगा कि नहीं, मेरे ब्रदर की चॉइस जो थी वो गलत थी, इसलिए उन्हें उनके कर्मों का भुगतान जो है वो मिला, भगवान ने उनको वही उनको रिजल्ट दिया। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी श्रीमद् भगवद गीता को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि भक्ति जो है वो केवल और केवल बुढ़ापे के लिए होती है। हम ये बात सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ में बुढ़ापा कभी आएगा नहीं आएगा, हम नहीं इस बात को एज्यूम कर सकते। हमें जब भी टाइम लगता है, अभी से अगर हमें लगे कि हमें डिवोशन स्टार्ट करनी है तो हमें अपनी डिवोशन जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे पास भी भगवद गीता की बुक बड़े टाइम से पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसे कभी खोल के नहीं देखा। जब से मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया और श्रीमद् भगवद गीता की रीडिंग की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं तो हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है जिसमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसको कैसे यूज करना है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे लिए एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें जीने की कला सिखाता है, हमें अपनी लाइफ में कैसे सही तरीके से कैसे जीना है। हमें वो सब चीजें भगवद गीता की रीडिंग से ही पता चलता है। जैसे हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी हमारी आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती है। हमारी लाइफ में हमने अपने गोल को कैसे अचीव करना है वो सही डायरेक्शन बताती है। हमें ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रांग करना है, हमें अपनी अटैचमेंट को सिर्फ केवल और केवल ईश्वर के साथ बढ़ानी है और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ उसको डिटैच करना है। फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी को आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए, प्रभु के गुण गाइए, अपने डेली रूटीन के जो कार्य है उनको जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए, लेकिन साथ में प्रभु का सिमरन करते हुए। मैं निखिल सर, नितिन सर, निमेश सर और प्रीति मैम जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया और हमें इस ग्रुप के साथ जोड़ा ताकि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख सकें।
अंत में मैं इतना ही कहूंगी, बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू।